स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी व्याकरण का आज का हमारा विषय है अलंकार। इस वीडियो में हम यमक अलंकार को उदाहरण सहित विस्तार से समझेंगे। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको अलंकारों में यमक अलंकार की पहचान हो सके, जो हर परीक्षा में उपयोगी हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अलंकार को समझेंगे। अलंकार दो शब्दों के योग से बना है, अलम जमा कार, जिसका शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार स्त्री की शोभा आभूषण से होती है, या जिस प्रकार एक स्त्री आभूषण धारण कर सुंदर दिखाई देती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से होती है। साधारण भाषा में जिन शब्दों के द्वारा काव्य में सुंदरता लाई जाती है, उन्हें अलंकार कहते हैं। परिभाषा देखिए, भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण स्वर्ण सोने से बनते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी सुवर्ण सुंदर वर्णों से बनते हैं। अब हम यमक अलंकार को विस्तार से समझेंगे। जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और हर बार उस शब्द का अर्थ भिन्न या अलग हो, तब वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, काली घटा का घमंड घटा। इस पंक्ति में घटा शब्द दो बार आया है। प्रथम घटा का अर्थ बादल है और दूसरे घटा का अर्थ घटना या कम होने से है। इस पंक्ति का अर्थ है काले बादल का घमंड अर्थात प्रकोप कम होने से है। यहाँ घटा शब्द दो बार आया है, इसीलिए यमक अलंकार है। दूसरा है कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बोराए जाए वा पाए बोराए। इस पंक्ति में कनक शब्द दो बार आया है। एक कनक का अर्थ धतूरा है और दूसरे कनक का अर्थ सोना है। इस पंक्ति में कहा गया है कि यदि मनुष्य धतूरे का अधिक सेवन कर लेता है, वा खाए बोराए जा, तो वो पागल सा हो जाता है, बोराए जा पागल सा हो जाता है, और यदि मनुष्य को सोना अधिक मिल जाता है, वा पाए बोराए, तो भी वह पागल सा हो जाता है। इस पंक्ति में कनक शब्द दो बार आया है, इसीलिए यमक अलंकार है। कहे कवि बैनी बैनी ब्याल की चुराई लीनी। इस पंक्ति में बैनी शब्द दो बार आया है। एक बैनी कवि राम वृक्ष बैनीपुरी का नाम है और दूसरा बैनी चोटी है। इस पंक्ति में कहा गया है राधा रानी ने सांप की जुल्फों की लट चुरा ली है, अर्थात उनकी लट या चोटी सांप के समान प्रतीत होती है। इस पंक्ति में बैनी शब्द दो बार आया है, इसीलिए यमक अलंकार है। आगे देखिए, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती थी। इस पंक्ति में बेर शब्द दो बार आया है। प्रथम बेर का अर्थ बेर फल से है और दूसरे बेर का अर्थ बारी वक्त से है। इस पंक्ति में कहा गया है वह स्त्री भोजन के रूप में तीन बेर ग्रहण करती थी, वह भी दिन में सिर्फ तीन बार। इस पंक्ति में बेर शब्द दो बार आया है, इसीलिए यमक अलंकार है। आगे देखिए, सपना सपना समझकर भूल न जाना। इस पंक्ति में सपना शब्द दो बार आया है। प्रथम सपना का अर्थ किसी का नाम सपना से है और दूसरे सपना का अर्थ रात में आने वाले स्वप्न से है। इस पंक्ति में सपना शब्द दो बार आया है, इसीलिए यमक अलंकार है। सजना है मुझे सजना के लिए। इस पंक्ति में सजना शब्द दो बार आया है। प्रथम सजना का अर्थ श्रृंगार करने से है और दूसरे सजना का अर्थ प्रियतम प्रेमी पति से है।
इसमें कहा गया है कि मुझे अपने प्रेमी के लिए श्रृंगार करना है। इस पंक्ति में सजना शब्द दो बार आया है, इसीलिए यमक अलंकार है। ये यमक अलंकार वे उसके उदाहरण हैं जिन्हें हमने विस्तार से जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।